नमस्कार दोस्तों, नोवेल वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आज की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे आपका निवेश सुरक्षित किस प्रकार है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आदर्श ने आज तक 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आज तक संस्था में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी उजागर नहीं हुई है। पहली बात ये कि कुछ YouTube चैनल और प्रिंट मीडिया भ्रामक तरह की जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। हर YouTube चैनल अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। यदि सत्यता है तो बात एक समान आखिर क्यों नहीं कही जाती। मीडिया का मुख्य कार्य है कि जनता तक सही जानकारी प्रदान करना, ना कि उसको गुमराह करना। मेरी गुजारिश है कि जब तक किसी का प्रमाण ना हो, न्यूज को प्रसारित नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि 1999 एक ब्रांच के साथ शुरुआत करने वाली संस्था आज पूरे भारत में 812 ब्रांचों के साथ खड़ी है। यहाँ तक पहुँचना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ तक लाने में हमारा और आपका विश्वास ही है। आदर्श के सिस्टम की बात करें तो भारत में हमारा सिस्टम नंबर 1 पर है। हम उस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जिस पर सिर्फ SBI काम करती है, और वह टेक्नोलॉजी है SAP टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरी SBI बैंक ही भारत में इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। बात करते हैं आदर्श के काम की, तो आदर्श संस्था गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसका मुख्य कार्य है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देना। आज जो आप इधर उधर की भ्रामक न्यूज़ सुन रहे हैं कि आदर्श में इतना घोटाला पकड़ा गया, उतना घोटाला पकड़ा गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। स्थिति है तो सिर्फ जांच की। हाँ, हमारी संस्था पर जांच जरूर चल रही है। हमारी संस्था ने जिन कंपनियों को लोन दे रखा है उसी की जांच चल रही है, जिसके कारण जो पैसा हमें मिलना था वह अभी रुका हुआ है। जिन लोन कंपनियों में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था उनमें लेन देन ओपन कर दिया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रभावित ना हो। अधिकांशतः आधे से ज़्यादा हमारी जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। इससे पहले भी आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि एक न्यूज़ चैनल के द्वारा भ्रामक न्यूज़ दिखाए जाने के बाद इनकम टैक्स की जाँच भी हुई थी, जिसमें हमारी संस्था को क्लीन चिट मिल गई थी। न जाने ऐसी कितनी जांचें हमारी संस्था के ऊपर आज तक हुई हैं और सभी में उसको क्लीन चिट मिली है, यानी जीत हमारी संस्था की हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। नोटिस मिलने के बाद जब न्यूज़ चैनल को, यानी कि जब न्यूज़ चैनल को नोटिस हमारी संस्था की तरफ से मिला, उसके बाद ने उस भ्रामक न्यूज़ को उसने अपने चैनल से हटा दिया था। तो इस प्रकार आप खुद देख व सुन रहे होंगे कि अभी तक जितनी भी जांचें हुई हैं संस्था में एक रुपए तक की कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है और न ही भविष्य में मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्था सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम करती है। आप संस्था पर विश्वास बनाए रखें और आपका पैसा पूर्णतया सुरक्षित है, जो कि आपको मैं ब्याज के लौटाया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि संस्था ने जिन कंपनियों को लोन दिया है वह पैसा संस्था ने ही दिया है और सारा पैसा हमारा और आपका ही है। उसकी रिकवरी की जांच जैसे ही ख़त्म होती है, आपका पैसा आपके खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये समस्या जहां भी है, जहां पे पेमेंट का लेन देन अभी रुका हुआ है, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इस समस्या से निजात मिल जाएगा। आपने किसी को लोन दिया है तो वह लोन और उससे मिलने वाला प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके हकदार आप हैं। इसी तरह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो राशि अलग अलग कंपनियों को लोन पर दे रखी है, उस पर पूरा हक संस्था का है। यदि कोई कंपनी लोन नहीं चुका पाती है तो उसकी संपत्ति को अधिग्रहण करने का पूर्णतया अधिकार संस्था के पास है। इसी तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर पैसा वापस हमारी संस्था के पास ही आना है। आप लोगों से पूरा मैं आशा करता हूँ
कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और संस्था आपके विश्वास पर खरी उतरती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।